नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम सुंदर सा बैक नेक डिज़ाइन बनाना। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को यहाँ पर अटैच करके रख लिया है और इसके बैक में हम डिज़ाइन बनाएंगे। और इस ब्लाउज का जो चेस्ट साइज है वो यहाँ पर 40 इंची है, उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे, यानी कि शोल्डर से इसको मिला के यहाँ से हम रख लेंगे। और देखिए मैंने बिल्कुल यहाँ से चारों साइड से इसको मिला के स्टिच करके रख लिया है, यानी कि यहाँ से इसको फिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए गले की लंबाई हमारी यहाँ पर आ रही है 9 इंची, तो मैं यहाँ पर 9.5 इंची का निशान लगा ले रही हूँ इस तरह से। देखिए नीचे की साइड से हम लगाएंगे 3 इंची का निशान, ऊपर से लगाएंगे हम 2.5 इंची का निशान। यहाँ से लगाएंगे हम 4 इंची का निशान इस तरह से और यहाँ पर 3 इंची का निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे, इस लाइन को नीचे तक हम मिला लेंगे। देखिए यहाँ से हम राउंड शेप देंगे इसको इस तरह से और यहाँ से देखिए 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच से कम इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ पर गोलाई वाला शेप देंगे इस तरह से। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया है और इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लगते हुए जो हमने ड्राफ्ट किया है सेम इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है, इसको ओपन करके रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे गला बन के आ गया और ले लेंगे हम अस्तर। तो यहाँ देखिए मैंने ये अस्तर ले लिया है और ब्लाउज के पीस को रखेंगे हम इस तरह से सीधा करके। और यहाँ से इसको इस तरह से सेट करेंगे और इसे पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे और इसे बनाएंगे हम बिना बुकरम के, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए दोनों साइड से हमने बराबर मार्जिन रखते हुए अस्तर को इस तरह से पिन लगा के सिक्योर कर लिया है। तो देखिए अस्तर हमारे इस तरह से अटैच हो गया है, इसको अब हम रखेंगे पलट के और इसके किनारे किनारे से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर की साइड से हम सुई को नीचे की तरफ रखेंगे और फिर यहाँ से किनारे की सिलाई घुमाते हुए हम यहाँ पर टर्न कर लेंगे इसको। तो यहाँ देखिए सारे से मैंने सिलाई लगा ली है, अब देखिए जितना हमारा मार्जिन था इतना ही छोड़ते हुए हम इस पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है, गुलाई वाले से पे छोटे छोटे हम कट लगाएंगे। कट लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा धागा ना कटे। यहाँ से कॉर्नर को कट कर देंगे इधर की साइड से भी और यहाँ से पिन को निकाल देंगे। देखिए पिन से निकालने के बाद में यहाँ से गुलाई वाले हिस्से से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, लगभग 1.5 से 2 इंची यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो हमने यहाँ पर 1.5 इंची रख लिया है। अब कॉर्नर को हम इस तरह से सीधा करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं पेचकस ले रही हूँ, पेचकस की हेल्प से इसको कॉर्नर को हम बाहर की साइड में निकालेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के कॉर्नर को भी बाहर की साइड में निकाल लेंगे। देखिए पिन की हेल्प से हाँ
इस तरह से हमने निकाल लिया है। एक्स्ट्रा इसको हम अंदर की साइड रखेंगे, इसको अंदर की साइड में टर्न करेंगे, कपड़े को इस तरह से देखिए, और इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से देखिए अस्तर को अंदर की साइड में इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे पूरे ही गले पे। यहाँ देखिए हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। और बैक साइड से देखिए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा देंगे, जैसे कि हम बाद में तुरपाई करेंगे तो इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम रफ स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने जैसे सिलाई भी लगा दी है, और आप देखिए यहाँ से हम टक्स लगा लेंगे, जो हमारा टक्स है इसको यहाँ से लगा लेंगे दोनों ही साइड से। टक्स हमारी लग चुकी हैं, अब देखिए गला हमारा बनके कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। देखिए गला हमारा बनके कुछ इस तरह से तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बिना बुकरम के यहाँ पर गला बनाना बताया है इजीली। और यहाँ पर हम सिंपल डोरी लगा लेंगे, और डोरी लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं डोरी लगा के लटकन लगा के पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पैटर्न से मैंने यहाँ पर स्लीव पे भी इसी तरह का डिजाइन बनाया है डोरी के साथ में, और पूरा ब्लाउज हमारा बनके तैयार हो चुका है। 4 टक्स में ब्लाउज बनाया है राउंड नेक में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।